सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आज से। तो आज से हम इस चैनल पे, जो कि पगलाइट ट्रैवलर है, इस पे हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे आज की डेट से। दरअसल सीन क्या है कि मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ वीडियो का, लेकिन कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कभी कुछ, मतलब डेली का डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आज से वीडियो बनाना स्टार्ट हमें करना है, मतलब करना है बस। तो सबसे पहले तो मैं मतलब बताऊं तो स्टार्ट कहां से करूं, वही समझ में नहीं आ रहा था हमें कि मतलब शुरुआत कैसे करें, मतलब क्या कहें, कैसे कहें। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए, ऐसी बात है कि पहली बार बहुत दिनों के बाद तो प्रॉब्लम तो आती होगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही थी अभी। तो सब कुछ प्रॉब्लम को दूर रखते हैं और बात करते हैं आज की। तो आज आपको बताया कि नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमारी तरफ से नवरात्रि की आपको और आपके पूरी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से माँ का पूजन भी करिए, जो भी हो, मतलब जैसे भी हो, अच्छे से रहिए, अच्छे से करिए, सब कुछ करिए। और आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे एकदम पूरी तरीके से। तो सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 9 बजे हैं और सुबह हम अभी बस उठे ही हैं। उठ के दरअसल मैं बताऊं तो बात यह है कि दरअसल मेरी बहन जो है वो घर चली गई है, तो अभी जो सारा साम्राज्य है वो अपने ही हवाले है। तो सब कुछ करना धरना सब अपने ही पड़ता है, बनाना खाना सब कुछ अपने। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके बस जस्ट अभी अपने लिए चाय बनाई है बस अभी, और साथ में पार्ले जी लेके आया हूँ, क्योंकि बचपन की जो यादें हैं ना चाय में, जो पार्ले जी डुबो के खाने का, उसका फील ही कुछ अलग है एकदम बिल्कुल। तो बस अभी चाय और पार्ले जी खाते हैं, फिर थोड़ा देर बाद खाने होने का इंतजाम करेंगे, क्योंकि साम्राज्य अपना है तो करना भी अपने आप को ही है। तो भाई सच बताऊं तो पार्ले जी और चाय का कॉम्बिनेशन ही अलग है एकदम बिल्कुल। जो मजा इसमें है ना, कहीं नहीं यहाँ, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, अल्टीमेट। बाकी अब सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 1:30 बज गया, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं, हुई चाय बिस्कुट पर जी रहे हैं अभी तक। तो सोच रहे हैं थोड़ा खा पी ले। तो फाइनली गाइस हमने अपना जो भी मटेरियल था काट लिया है, जो भी भूजने का, और ये थोड़ा चावल वावल बचा था, जीरा वीरा रात में डाल के बनाया था, तो बचा पड़ा ऐसे ही। तो अब इसको कर लेते हैं फ्राई थोड़ा, फिर जैसा भी बन जाए खाना ही है। पता है जब घर वाले नहीं होते हैं ना, तो जो भी मिल जाए यार, रूखा सूखा खा लो, नखरे नहीं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो मतलब कोई सीन ही नहीं है इन सब का, अपने बनाना है, अपने खाना है। रही बाहर की, पता है बस 3 दिन यार, देखो बाहर कोई कितना दिन खाएगा। स्टार्टिंग में जब बहन गई तो हमने बस 3 दिन खाया था बाहर खाना, 3 दिन बस, और 3 दिन में हालत खराब है, तबीयत खराब होने लगी थी यार, अजीब सा लग रहा था पूरा बाहर खाने में। तो भाई लोग अपना मसाला तैयार हो चुका है चावल का फ्राई करने का, अब बस चावल पलटना है इसमें। तो फाइनली अपना चावल वगैरह फ्राई हो चुका है मस्त, अब चल रहे हैं बिता के नहाएंगे, नहा के चलेंगे, फिर जो हमने काम किया है उसका थोड़ा गणना करके आएंगे, फिर कहीं ना कहीं चलेंगे घूमने के लिए, एक दोस्त को बुलाएंगे, दोस्त के आने के बाद फिर डिसाइड करेंगे जाना कहाँ। फाइनली जो हमने अभी थोड़ा बहुत काम वाम किया था, तो उसके सिलसिले में थोड़ा बाहर जाना है, तो अभी चलते हैं बाहर और जो भी काम है करके आते हैं, फिर उसके बाद ढिंचाक 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 बनाएंगे मसाला। सो गाइस मैं आपको बताना हूँ कि हम घर से अपना सारा काम खत्म करके और अभी हम आए थे सेक्टर 18 DLF,
तो DLF में जो हमारी मस्ती चल रही है वो लाजवाब तरीके से चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारे साथ हमारे बेन स्टॉक सनी पाठक विवेक और ये हमारे चाचा और भैया आप लक्ष्मण भैया, हम चारों लोग आज आए हैं डी कैथलॉन का DLF आए हैं। हमारे जो बेन स्टॉक भैया हैं, देख रहे हैं क्या उठा रहे हैं आजकल, जितने भी बंदे थे चाहे बेन स्टॉक हो, विवेक हो और हमारे चाचा, जिनकी तो संभल नहीं रही है, ये सारे मतलब देख रहे हैं साइकिल पर लटके पड़े हैं और चाचा शर्म के मारे छोड़ दिए, हद हो गई अब तो। भैया तैयारी कर रहे हैं खींचने की, देख रहे हैं मुंह ढका गया अबे। इतना लाया, क्या किलो है भाई ये? तो भाई मजा नहीं आता इस वाले रोड में, मजा नहीं आ रहा था इनको, तो अबे रोड खोज रहे हैं बदलने के लिए इसको, मतलब आज पूरी जिम की तैयारी यहीं पे होगी। क्या हुआ बेन स्टॉक का? बॉलिंग नहीं डाल रहे थे। हाँ हाँ बोल रहे, हेलो दिस इज नॉट अलाउड हियर, लाद रखा है लौंडे ने पूरा 40 किलो 50 किलो। विवेक भाई की भी ऐसी की तैसी हो रखी है पूरी तरीके से, देख रहे हैं पूरा शरीर का ढांचा। क्या नहीं मिल रहा गुरु? सपोर्ट नहीं मिल रहा नीचे खींचने के लिए। जो अंगड़ाई है ना वो संभल नहीं रही है, जो अंदर से इनकी शादी होने वाली है और जो अंगल मतलब हाँ जो अंदर से सिंगलपन भरा पड़ा है ना, उमड़ के बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। हमारी बकचोदी चल रही है, अब हम चल रहे हैं साइकिल की तरफ और यहाँ पे हम साइकिल उड़ाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे नहीं आज, साइकिल उड़ाएंगे। गाइस अभी हम जिम करने के बाद आ गए हैं साइकिल वाले सेक्शन में, ये साइकिलें, अब यहाँ पे हम साइकिलों पे अपना जोर आजमाएंगे, जोर। आ गए वे लौंडे वाले, ये रॉक राइडर की पहली साइकिल है जो अब विवेक भाई अपना जोर आजमाएंगे इस पे। हमारा बेन स्टॉक पता नहीं कहाँ चला गया है और ये साइकिल है 17,000 रुपए की, इनका कहना है कि कुछ ज्यादा नीचे हो गई है, छोटी हो गई लेकिन इसका सस्पेंशन लाजवाब होगा चाहे कुछ भी हो। देख रहे हैं भारी कितनी है ये, भारी वजन एक हाथ छूट जाएगी भाई साहब, अरे आगे से थोड़ा उसका क्या बोलते हैं सस्पेंशन उसका थोड़ा। अरे यहाँ पे एक फोल्डेबल साइकिल रखी पड़ी है, मस्त एकदम, इतने में अटक गई है साइकिल पूरी। साइकिल के रेंज जो है यहाँ से 39,000 24 ये वाली साइकिल 44,000 एंड देख रहे हैं, तो ये जो साइकिल है 24-25,000 रुपए की है और इसके जो सस्पेंशन है ना एकदम खतरनाक। फाइनली अभी हम डी कैथलॉन से निकल कर डी कैथलॉन में एकदम मजा करते हुए, मजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पेरिस्टॉक। कहाँ जा रहे हैं पेरिस्टॉक? डांस बार में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? डांस पब। पब इवेंट में। इस साला बता रहे हैं कि डांस बार में जा रहे हैं, मुजरा करने जा रहा है आज पेरिस्टॉक। तो फाइनली अभी हम लोग गेमिंग सेक्शन में आ गए हैं यहाँ पे, ओहो मस्त एकदम। अपना पेन स्टॉक चाचा
जहाँ की लाइटिंग है वो काफी लाजवाब एकदम जबरदस्त फोकट वाला सीन है फोकट वाला वेनिस्टॉक अब गाड़ी चलाने लगा भाई साहब गेमिंग की भंडार लगी पड़ी है यार यहाँ पे देख रहे हैं यार रावण भी स्टार्ट हो रहा है साला सो गाइस फाइनली अभी हम गेमिंग सेक्शन से निकल गए क्योंकि हमारी औकात से बाहर है गेमिंग सेक्शन हम 1130 रुपया देकर टिकट लेके खेल नहीं सकते उसमें हमारी औकात से बाहर हो गया है गेमिंग सेक्शन जहाँ फ्री मिलेगा तहाँ जाएंगे भाई भाई बात तो यही है तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं घर आप कब चलेंगे काम खत्म भाई अब चल रहे हैं घर जेब से पैसा खत्म 1 रुपया दिया नहीं है साला मेरा पैसा खत्म फाइनली अभी हम घूम फिर के अब हम जा रहे हैं घर भाई शॉपिंग इतना कर लिया वो घर पहुंचाएंगे सीधे जाने जरूरत इतनी शॉपिंग कर ली हमने कि जो भी था लदवा उदवा देंगे और घर पहुंचवा देंगे तो हम जा रहे हैं घर अब सो गाइस अभी हम मौज मस्ती करके एकदम धड़ाके भड़ाके करते हुए हम घर आ चुके हैं अभी और अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और खाने होने का इंतजाम ये है कि क्या बताएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है वही है दोपहर का जो चावल खाया था उसके बाद अभी तक कुछ खाया नहीं है अब चल रहे हैं थोड़े सलाद वगैरह सैलेड वगैरह और थोड़े मैगी वगैरह बनाएंगे बस वही खा पी के सो जाएंगे और फिर सुबह का तुम धड़ा का जो भी हो तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें पता नहीं शेयर करेंगे नहीं पता नहीं बस कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो जय हिंद